Hello everyone and welcome back to our YouTube channel savvyforensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर. बेसिकली वो जो आपका टॉपिक है उसकी बहुत टाइम से आप लोगों की डिमांड आ रही थी, तो इसी वजह से आज मैंने ये सेशन रखा हुआ है. तो आज हम बात करने वाले हैं रिपोर्ट प्रिपरेशन इन फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी. ठीक है, बहुत टाइम से मेरे पास डिमांड आ रही थी कि फोरेंसिक साइंस लैब में जो रिपोर्ट बनती है वो किस तरह से बनती है, तो उसके बारे में आप सभी को जानना था. तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो को आज बनाया हुआ है एंड आई होप इसके बाद में आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, सो यहाँ पर जो आपकी फोरेंसिक साइंस लैब में जो रिपोर्ट प्रिपरेशन होता है, जो रिपोर्ट बनती है, जो रिपोर्ट कोर्ट में भेजी जाती है, तो उसके बारे में जानने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जब कोई भी क्राइम होता है तो उसके जो एग्जिबिट्स होते हैं, तो वो जो एग्जिबिट्स होते हैं जब वो फॉरवर्डिंग अथॉरिटी से यानी कि जो आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं उनके पास से जब वो लैब में भेजी जाती है, तो उसके लिए जो रिपोर्ट बनती है वो किस तरह से बनती है. और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आपको उस रिपोर्ट के बारे में पता होगा तो ही आप समझ पाएंगे कि जो आपकी फोरेंसिक साइंस में लैब में जो रिपोर्ट बनती है तो वो किस तरह से बनती है, क्योंकि दोनों की रिपोर्ट आपकी सेम ही होती है. ज्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, बस थोड़ा सा फॉर्मेट का डिफरेंस होता है और बाद में जो उसमें रिजल्ट एड ऑन होता है उसका डिफरेंस होता है. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो आपकी केस फॉरवर्डिंग के लिए जो रिपोर्ट बनती है. जब कोई केस होता है तो उसको जब फॉरवर्ड जाता है फोरेंसिक साइंस लैब में, उसके लिए जो रिपोर्ट बनती है तो वो रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या रहता है. सो यहां पर मैं आपको एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं दिखा सकती हूं क्योंकि वो कुछ आपके सिक्योरिटी पर्पज से कुछ आपके रहते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, तो इस वजह से मैं आपको एग्जैक्ट जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट नहीं दिखा सकती हूँ. बट उसमें क्या डिटेल्स होती हैं, क्या आपके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उस रिपोर्ट के, तो उनके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर अभी अगर हम बात करें कि पूरा क्या आपकी डिटेल्स रहती हैं, तो मैंने ये पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है. ये पूरी लिस्ट आप इसको देख सकते हैं, इसमें सारी चीजें एक एक करके लिखी हुई हैं कि क्या क्या इसमें डिटेल्स होती हैं. ठीक है, सो ये जो आपकी इमेज है इसकी जो फोटो है वो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी और साथ में जो हमारा इंस्टा है वहां पर भी आपको मिल जाएगा. बाकी जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं हर जगह पर आपको ये पूरी लिस्ट मिल जाएगी और अभी मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में बता भी देती हूँ. ठीक है, सो यहाँ पर सबसे पहले जो आपका रिपोर्ट बनती है, जो आपकी केस फॉरवर्डिंग के लिए जो आपका फॉर्मेट होता है, उसमें सबसे पहले तो आपका जो भी आपकी फॉरवर्डिंग अथॉरिटी है उसका नाम और एड्रेस उसमें लिखा होता है. जो भी फॉरवर्डिंग अथॉरिटी जनरली आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, उसके अलावा ये आपके डिपेंड करते हैं कि उस पर्टिकुलर जो भी केस हुआ है तो उस जगह पर कौन उसमें उस केस पर काम कर रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है कि कौन आपके फॉरवर्डिंग अथॉरिटी होंगे. ठीक है, तो उनके नाम और उसकी उनकी जो भी एड्रेस होती है तो वो यहाँ पर लिखी होती है. एड्रेस का मतलब ये है कि जो उनकी डेजिग्नेशन होती है तो वो उनकी जो एड्रेस होती है वो चीज. ठीक है, उसके अलावा जो केस नंबर है, किस सेक्शन के अंदर जो भी क्राइम है उसको डिफाइन किया गया है, उसका क्या मतलब किस तरह का क्राइम है, मर्डर है, सुसाइड है, तो ये सारी चीजें वहां पर लिखी हुई होती हैं. उसके अलावा किस डिस्ट्रिक्ट में ये क्राइम हुआ है, किस डेट को ये क्राइम हुआ है, क्या मोटिव था, जो भी उनके इन्वेस्टिगेटिंग के अकॉर्डिंग जो भी मोटिव निकल के आया तो वो क्या मोटिव रहा था उस पर्टिकुलर क्राइम को करने. साथ में यहाँ पर जो भी केस हुआ होता है तो उसकी जो ब्रीफ हिस्ट्री होती है बहुत शॉर्ट में पूरी हिस्ट्री के बारे में रहता है, बेसिकली किस तरह का क्राइम था, क्या क्या यहाँ पर हुआ है. ठीक है, तो ये चीजें बताई जाती हैं. उसके अलावा जो भी आपके सस्पेक्ट होते हैं उनकी जो भी डिटेल्स होती हैं, जैसे कि उनका नाम, उनका एज, कहाँ के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट के अगर बाहर के हैं तो वो वहां पे क्यों आए थे, तो ये सारी चीजों के बारे में कुछ बेसिक बेसिक सी जो आपकी सस्पेक्ट की डिटेल्स होती हैं वो डिटेल्स यहाँ पर साथ में भेजी जाती हैं. और साथ में यहाँ पर जो भी एग्जिबिट्स होते हैं, जितने भी आपको एविडेंसेस मिलते हैं क्राइम सीन पर, तो वहां पर जितने भी एग्जिबिट्स होते हैं उनकी पूरी डिटेलिंग होती है कि वो उनका जो भी एग्जिबिट्स थे वो एग्जिबिट का क्या नाम है, कौन कौन सी एग्जिबिट्स आपको वहां से मिले हैं, किस सिक्वेंस में, बेसिकली सिक्वेंस तो नहीं बट वहां पर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है कौन कौन सी एग्जिबिट्स मिले हैं. उसके अलावा उन एग्जिबिट्स का सोर्स क्या था, विक्टिम के पास से मिले, सो आपका जो कल्प्रिट है उसके पास से मिले, जो सस्पेक्ट है उसके पास मिले, या फिर जो आपका क्राइम सीन है वहां पर मिले, तो वो आपका सोर्स लिखा होता है. उसके अलावा जो भी अगर मान लीजिए विक्टिम के पास मिले तो विक्टिम के हैंड में मिले, उसके क्लॉथ पर मिले, तो ये सारी चीजें भी पूरा डिटेलिंग में वहां पर लिखी हुई होती है. ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर जो भी पार्सल होता है, जब एग्जिबिट को पैक करके भेजा जाता है तो वहां पर जो पार्सल होता है उस पार्सल पे जो सील लगी होती है उस सील की इंफॉर्मेशन लगी होती है कि किस अथॉरिटी की वो प्रॉपर सील लगी हुई है. साथ में
जो एग्जिबिट्स हैं उनको कलेक्ट किसने किया है, किस ऑफिसर ने उसको कलेक्ट किया था, तो उनके नाम भी यहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमने बात कर ली, जो ब्रीफ हिस्ट्री थी पूरा केस की वो हमने बता दिया, साथ में यहाँ पर जो भी एग्जिबिट्स मिले थे तो उनके डिटेलिंग भी हमने यहाँ पर बता दी, कौन कौन से एग्जिबिट्स मिले थे, उनका क्राइम से, उनका केस से क्या लिंकेज है, साथ में जो भी एग्जिबिट्स मिले थे उनका सोर्स क्या था। तो ये सब होने के बाद में लास्ट में यहाँ पर जो हमें एग्जामिनेशन चाहिए होता है, जो भी एविडेंसेस हैं, तो उनके आपको क्या क्या एग्जामिनेशन चाहिए, क्या रिजल्ट्स आपको चाहिए। लाइक अगर हम यहाँ पर ब्लड सैंपल की बात करें तो जनरली ब्लड सैंपल जो रहता है तो वहां पर ये पूछा जाता है कि ये ब्लड सैंपल है या नहीं है, अगर ये ब्लड सैंपल है तो ये ह्यूमन का है या एनिमल का है। अब यहाँ पर जब ये पता चल जाता है तो उसके बाद में पूछा जाता है कि जो ब्लड ग्रुप है वो आपका सेम विक्टिम से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर जो ब्लड ग्रुप है वो आपका सस्पेक्ट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये आपको कुछ बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं जो कि पूछे जाते हैं। साथ में यहाँ पर कई बार पूछा जाता है जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, तो ये सारी कुछ बेसिक से डिटेल्स होती है। उसके अलावा अगर कुछ जो केस आपका है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर डीएनए एग्जामिनेशन का भी क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर आपका लिखा जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, वो किस तरह के क्वेश्चन के डिमांड कर रहे हैं, किस तरह की एग्जामिनेशन की उनकी रिक्वायरमेंट है, तो उसी बेसिस पर उन्हीं क्वेश्चंस का रिजल्ट जो भी हमारे साइंटिफिक ऑफिशियल्स होते हैं वो देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से पूरी रिपोर्ट अभी हमारी जो हमारा केस का केस फॉरवर्ड करने का जो फॉर्मेट था वो अभी इतना हुआ। अब इतना करने के बाद में जो आपका फ्रंट पेज होता है इस पूरे का, तो वहां पर जो ऑफिशियल की सील होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर स्क्वायर बॉक्स से बनाया हुआ है, तो ये जो आपका स्क्वायर बॉक्स में यहाँ पर इस तरह से आपका सील लगी होती है, ये जो सील आपकी होती है ये आपके जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं वो उनकी सील होती है, वो जो आपकी वैक्स सील होती है वो वाली सील होती है। ये सील जो लगती है एक तो इस तरह इस वजह से लगती है ताकि ये एक तरह से जेन्यूननेस को शो करती है कि ये आपका ओरिजिनल है, उसके अलावा ये किसके पास या ये किसने फॉरवर्ड किया है वो चीज दिखाती है, और साथ में ये जो आपकी सील होती है ये आपकी छूटती भी नहीं है, तो इस वजह से ये यूज करा जाता है। और साथ में ये जो सील यहाँ पर लगी होती है सेम यही सील आपके जो एग्जिबिट्स आप फॉरवर्ड करते हैं उन एग्जिबिट्स पर भी सेम यही सील लगी होती है, तो ये सील आपकी मैच करने में हेल्प करती है कि दोनों ही जो आपके हैं तो ये आपका सही तरह से आए, पूरा प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी को फॉलो करते हुए भेजा गया है, बीच में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद में उस पेज के एंड में जो भी आपके फॉरवर्डिंग अथॉरिटी होती है उनका साइन और साथ में उनका जो नेम और डेसिग्नेशन होता है वो भी लिखा जाता है। ठीक है, जनरल केसेस में ये आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं, उसके अलावा अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं है तो वो आपके फॉरवर्डिंग अथॉरिटी कोई दूसरा भी हो सकता है, जैसे कि आपका जो भी हेडक्वार्टर आपका जो पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन है तो वहां का जो भी हेड होते हैं तो वो भी यहाँ पर आपके फॉरवर्डिंग अथॉरिटी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और इसके अलावा यहाँ पर जो आपके अगर विसरा वगैरह को फॉरवर्ड किया जा रहा है एग्जिबिट, तो उस कंडीशन में यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि कौन से तरह के प्रिजर्वेटिव को उस विसरा को स्टोर करने के लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज करा गया था, तो ये चीज भी यहाँ पर बतानी होती है। और साथ में जो आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या फिर जो भी मजिस्ट्रेट है जो कि आपके जो यहाँ पर जो डिटेल्स हैं जो भेज रहे हैं केस को भेज रहे हैं केस को फॉरवर्ड कर रहे हैं लैब में, तो उनकी डिटेल्स भी बताई जाती है कि बेसिकली क्या उनकी अथॉरिटी है, क्या डेजिग्नेशन है, तो ये सारी चीजें आपकी वहां पर बताई जाती हैं। और ये आपकी रिपोर्ट बनने के बाद में जो मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया ये फॉर्मेट तैयार होने के बाद में आपके इसके साथ में इस फॉर्मेट के साथ में एक एफआईआर की कॉपी एक जेरोक्स कॉपी लगाई जाती है, और साथ में जो आपकी यहाँ पर जो पोस्टमार्टम अगर हुआ होता है तो उस कंडीशन में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है तो वो आपकी रिपोर्ट को भी इसके साथ में अटैच किया जाता है। तो ये इस तरह से आपका पूरा एक फॉर्मेट बनता है, और इसके बाद में इसको आपको एग्जिबिट के साथ में आपको फोरेंसिक साइंस लैब में फॉरवर्ड करना होता है। ठीक है, इतना होने के बाद में अब यहाँ पर जो ऑफिशियल्स होते हैं अब उनका काम होता है फोरेंसिक साइंस लैब में। तो फोरेंसिक साइंस लैब में जो भी आपके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो भी एग्जिबिट्स वगैरह गए थे, तो उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा आपकी चेकिंग होती है, एनालिसिस होती है, पूरे एग्जामिनेशन होते हैं। उसके बाद में अब टाइम आता है आपका रिपोर्ट प्रिपरेशन का। जब हमने पूरे रिजल्ट्स तैयार हो गया, हमारे को पता चल गया क्या क्या आपके एग्जिबिट्स है उसके बेसिस पर उनके क्या क्या रिजल्ट्स आए हैं, तो वो रिजल्ट्स आने के बाद में यहाँ पर अब टाइम आ जाता है रिपोर्ट को प्रिपेयर करने का। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिपोर्ट प्रिपरेशन का, तो जो रिपोर्ट बनती है आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज होती है उसके बेसिस पर बनती है। मान लीजिए अगर हम यूपी में है तो यूपी में जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है वो आपकी हिंदी है, तो जो रिपोर्ट आपकी बनेगी वो हिंदी में बनेगी। ठीक है,
इसी तरह से आप किसी दूसरी स्टेट के हैं तो वहां पर जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी तो उस लैंग्वेज में आपकी रिपोर्ट प्रिपेयर करी जाती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि रिपोर्ट आपकी इंग्लिश में प्रिपेयर होती है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो भी रिपोर्ट बनेगी तो वो आपकी रीजनल लैंग्वेज में ही बनेगी। मान लीजिए आप गुजरात से हैं तो आपकी जो रिपोर्ट प्रिपेयर होगी तो वो गुजराती लैंग्वेज में होगी। इसी तरह से अगर आप तमिलनाडु से हैं तो वहां पर जो रिपोर्ट प्रिपेयर आपकी होगी वो वहां पर तमिल लैंग्वेज में होगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर जब रिपोर्ट बनना तैयार होता है, जब स्टार्ट होता है, तब बेसिकली ये जो आपका मैंने फॉर्मेट बताया केस फॉर वर्डिंग नोट का, केस फॉर वर्डिंग का जो फॉर्म होता है सेम यही फॉर्मेट आपका रहता है। बस यहाँ पर आपकी जो रिपोर्ट रहती है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ में रहते हैं और इसके साथ में एक आपका सर्टिफिकेट और अटैच होता है। बेसिकली वो जो आपका रिपोर्ट होती है वो आपकी जो रिजल्ट के बेसिस पर रिपोर्ट तैयार होती है वो रिपोर्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी रिपोर्ट होती है एक तरह से आपकी, जिस तरह से आप नॉर्मली एप्लीकेशन लिखते हैं किसी को, तो उसी तरह से ये आपकी रिपोर्ट बनाई जाती है। बेसिकली यहाँ पर आपके स्टार्टिंग में जो भी ऑफिशियल्स होते हैं जिनको भेजना होता है, फॉरवर्ड करना होता है, उनके बारे में लिखा जाता है। बाद में आपका लिखा जाता है कि आपके जो जो एग्जिबिट्स आए थे उसके बेसिस पर ये हमारे रिजल्ट्स। तो यहाँ पर इतना बताने के बाद में कि ये आपके रिजल्ट्स आए हैं, लास्ट में आपके जो भी साइंटिफिक ऑफिशियल होते हैं, बेसिकली यहाँ पर जो आपके डिप्टी डायरेक्टर होते हैं या फिर जो भी हाई अथॉरिटी के लोग होते हैं वो लोग अपने साइन वगैरह करके भेजते हैं। बेसिकली यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर दोनों के ही साइन होते हैं, तो ये दोनों चीजें रहती हैं और इस तरह से आपकी बेसिकली रिपोर्ट प्रिपेयर होती है। यहाँ पर जो आपकी रिपोर्ट रहती है उसमें अगर हम डिटेल्स की बात करें तो बेसिकली वही है कि किस सेक्शन के अंदर था, कौन सा केस था, केस नंबर क्या था, क्या उसमें डिटेल्स थी, क्या उसकी ब्रीफ हिस्ट्री थी। तो जो मैंने आपको केस फॉरवर्डिंग नोट में बताया एग्जैक्टली सेम वही चीज रहती है, उसमें बस वही सारा फॉर्मेट रहता है, उसके साथ में बस एक पेज को और अटैच कर दिया जाता है और वो पेज आपका रहता है रिपोर्ट का, ठीक है। तो रिपोर्ट आपकी वही है कि नॉर्मल आप एप्लीकेशन की तरह से लिखते हैं कि वहां पर इस तरह का केस था, वहां पर ये आपका ये सारे एग्जिबिट्स आए थे, तो इन एग्जिबिट्स का रिजल्ट जो हमने एग्जामिनेशन किया, तो ये एग्जामिनेशन वहां पर हम एक्सप्लेन नहीं करते, बस बताते हैं कि एग्जामिनेशन करने के बेसिस पर जो आपके क्वेश्चंस थे तो उनके जो भी रिजल्ट्स होते हैं तो वो आपके रिजल्ट्स जैसे लिख दिया जाता है। कि मान लीजिए आपने पूछा था कि जो आपके जो सैंपल है वो ब्लड है या नहीं है, तो उसमें यस या नो जो भी रहता है तो वो लिख दिया जाता है। साथ में अगर आपसे पूछा गया है कि वो आपका सस्पेक्ट के ब्लड ग्रुप से मैच करता है कि नहीं, तो वो यस है तो यस, नो है तो नो पे टिक कर देते हैं। तो इस तरह से वो पूरी आपके रिपोर्ट का एक फॉर्मेट रहता है, तो उसको आपको फिलअप करना होता है और उसके बाद में जो भी आपके फॉरवर्डिंग के टाइम पर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स आए थे एग्जिबिट्स के साथ में, उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ में सबसे ऊपर उस पेज को जो आपकी रिपोर्ट होती है उसको अटैच करके भेज दिया जाता है वापस से, जो भी आपके पुलिस जो जहां से भी आपकी रिपोर्ट आपका पास एग्जिबिट आया होता है, जहां से भी वो सारे डॉक्यूमेंट्स आए होते हैं वापस से वहीं पर उनको भेज दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी रिपोर्ट बनती है। आई होप अब तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, सारे डाउट्स जो भी होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे, पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपकी रिपोर्ट बनती है ये किस तरह से बनती है। एग्जैक्ट जो फॉर्मेट है वो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ सिक्योरिटी पर्पज से, तो इस वजह से मैं नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन जो मैंने आपको नोट्स बनाए हैं तो वो मैं आपको इमेज उसकी शेयर कर दूंगी, वो आपको टेलीग्राम चैनल, हमारे इंस्टा और जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जैसे कि फेसबुक पेज, तो वहां सब जगह पर आपको इसका इमेज मिल जाएगा। तो वहां से आप इन सारी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। बेसिकली इसमें ऐसा कुछ नोट डाउन करने को है नहीं, बट फिर भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। उसके अलावा जो कुछ एक्सप्लेनेशन करने को था, जो कुछ आपकी रिपोर्ट जिस तरह से बनती है, तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। एंड हमारी जो ब्लॉगर वेबसाइट है वहां पर जरूर से विजिट करिएगा, क्योंकि मैंने आपकी जो नेट 2020 वाला पेपर हुआ था सितंबर में, उसके 50 क्वेश्चंस आपके मैं अपलोड करने वाली हूँ, 1 से 2 दिन में अपलोड हो जाएंगे। सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, बस एक बार क्रॉस चेक करना है, तो उसके बाद में आपको 1 से 2 दिन में जो 50 क्वेश्चंस है वो मिल जाएंगे। तो वहां से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर अच्छे से पढ़ने के बाद में अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ताकि वो सारी चीजें आपके नेट के एग्जाम में आपको बहुत हेल्प दे। क्योंकि यहाँ पर इस वाले जो 2020 में पेपर हुआ था इसका पैटर्न काफी डिफरेंट था, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बहुत अलग अलग पैटर्न के थे। क्वेश्चंस को जरूर से प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि अगर आप उनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो नया पैटर्न है उसके बारे में समझ में आएगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस अब आ रहे हैं ज्यादातर आपके अजम्पशन रीजन या फिर स्टेटमेंट के बेस पर आ रहे हैं, स्टेटमेंट एंड रिजल्ट के बेस पर, तो इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इस वजह से आपके जो कोर टॉपिक है, जो कंसेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो इस वजह से अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ऐसा मत सोचिएगा सिर्फ ऊपर ऊपर से आप टॉपिक्स को पढ़ लेंगे और नोट्स तैयार कर लेंगे तो आपका हो जाएगा।
ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जब तक आप पूरा डिटेलिंग में टॉपिक के अंदर तक जाके अच्छे से नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको उतना अच्छा बेनिफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और ये टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, पूरा टॉपिक आई होप आपको समझ में आया होगा। रिपोर्ट प्रिपरेशन इन FSL, किस तरह से फोरेंसिक साइंस लैब में रिपोर्ट बनती है, एंड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। एंड वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कॉन्टेंट पहुंच जाए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर।